अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की 25 नवंबर को प्रस्तावित धर्म सभा और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आशीर्वाद उत्सव को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीएसपी प्रमुख मायावती ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि देश का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी वीएचपी और आरएसएस की मदद से अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए देश का ध्यान भटका रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बसपा के करीब आने के प्रयास में लगे भीम आर्मी को बसपा विरोधी बताया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसपा के समानांतर चलने के प्रयास में लगे चंद्रशेखर की भीम आर्मी को मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया। बता दें कि मुजफ्फरनगर के साथ ही बागपत व शामली में भीम आर्मी के कार्यक्रम में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने बसपा की मुखिया को प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन देने की बात कही थी। इससे खफा होकर मायावती ने कहा कि भीम आर्मी जैसे संगठन बसपा विरोधी है। उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी जैसे संगठन भोले भाले लोगों को काफी बहका रहे हैं। ऐसे तत्व तथा संगठन बसपा के बढ़ते मूवमेंट पर बड़ा रोड़ा है। ये पार्टी केंद्र में अपनी सरकार की विफलताओं की वजह से फिर से सत्ता में वापस आने वाली नहीं है और इस बात का एहसास खुद बीजेपी व आरएसएस तथा केंद्र में इनकी सहयोगी पार्टी खासकर शिवसेना को भी है। इसलिए अब ये पार्टी एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अपनी विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अयोध्या में पर्दे के पीछे से खासकर अपने साधु संतों आरएसएस व शिवसेना आदि को आगे करके वहां बड़े पैमाने पर राम मंदिर निर्माण कराने का अभियान चलाए हुए हैं।